यादव राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात हो। और चूंकि अगर लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार की बात करें तो बहुत बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग है और लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जन नेता है, यानी जनता के बीच जो लोकप्रियता होती है लालू प्रसाद यादव की बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर बुके लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको लालू प्रसाद यादव के आवास की दिखाते हैं, आप सीधा आप देखेंगे कि वहाँ पर भी बुके लेकर के लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब अंदर का द्वार खुले। और आप तस्वीरों में देखिए कि अभी जो गेट है वो खुला नहीं है, लालू प्रसाद यादव अभी मिलने के लिए बैठे नहीं है। ये माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव लोगों से मुलाकात करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पर जो नेता है उनसे बात करते हैं। खुर्शीद जी पुराने RJD के नेता है, खुर्शीद जी क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है, आज 9 वर्ष भी है और माननीय श्रीमती राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है। दोनों आज का दिन हम लोग के लिए शुभ है। आप माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है, इसलिए उनको भी बधाई देने हम लोग आ रहे हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी बधाई देने आते हैं 9 वर्ष की, और मैडम को देने आ रहे हैं उनके जन्मदिन की बधाई। और भी समर्थक हैं, क्या कहेंगे आज दोहरी खुशी है, खुशी का दिन है? हाँ दोहरी खुशी तो है, राबड़ी देवी जी का जन्मदिन भी है और नया साल का मुबारकबाद भी देने के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम भैया जहानाबाद से हैं। जहानाबाद? हाँ भैया, हैप्पी न्यू ईयर और RJD की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी, और ये सब बात है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम तारा मुंगेर तारापुर से आए जी। क्या मैडम को जन्मदिन की बधाई देने? जी हाँ। नया साल भी है? जी नया साल भी है। क्या उम्मीद करती है नए साल में? नया साल में हम लोग बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं डेवलप के लिए, पार्टी को बहुत ऊपर ले जाने, और ये राज का विकास हो। और जो है तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, वो हमेशा युवाओं के लिए काम करते हैं और राज्य के लिए काम करते हैं। उनका मिशन जो है बहुत आगे है, सोच उनकी बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग जो है उनको बधाई देते हैं और नए साल का जो है उनको बधाई देते हैं कि आगे जाके बहुत तरक्की करें, आने वाले समय में वो CM बने, हम लोग इसी में यही चाहते हैं। तेजस्वी जी के लिए क्या शुभकामनाएं? हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में मुख्यमंत्री का ताजपोशी हो तेजस्वी जी को। हाँ आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए हैं, मनोज यादव। और तेजस्वी जी जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो साल है नया साल 2024, ये चुनावी वर्ष है और यह परिवर्तन का साल होगा। निश्चित रूप से एक नई उमंग नई ऊर्जा के साथ तेजस्वी जी एकदम नई भूमिका में होंगे और बिहार का बागडोर संभालेंगे और देश को नई दिशा देने का काम करेंगे।